What's up guys, Sonal is here. Welcome back to the channel. तो आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ एक ब्लेज रॉड फार्म, जिससे मुझे अनलिमिटेड ब्लेज रॉड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ मुझे अनलिमिटेड एक्सपी भी मिलने वाली है। और जो ब्लेज रॉड है उसका आगे चलकर की बहुत ज्यादा यूज होने वाला है बिल्ड्स में, इसीलिए मैं इस फार्म को बना रही हूँ। ब्लेज रॉड का यूज हम स्मेल्टिंग में कर सकते हैं, पोशन बनाने में कर सकते हैं, और साथ के साथ डेकोरेशन में हम एंड रॉड बना सकते हैं ब्लेज रॉड का यूज करके। जब मैंने ट्रेडिंग हॉल बनाया था उसमें भी मैंने बहुत सारी एंड रॉड का यूज किया था, और अब मैं कासल बना रही हूँ इसमें भी एंड रॉड का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसीलिए इस फार्म का आगे चलकर की बहुत ज्यादा यूज है। तो लास्ट वीडियो में मैंने अपने कासल की चारों तरफ की एरिया को पूरा क्लीन किया था, आप लोग देख सकते हो कि मैंने रिवर के किनारे किनारे पेड़ लगा दिए जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ का पूरा एरिया एकदम क्लीन हो चुका है। जो भी पहाड़ थे और डर्ट फालतू की थी उसको मैंने हटा दिया, और अब मैं जाने वाली हूँ अपने ट्रेडिंग हॉल में। ब्लेज रॉड फार्म को बनाने के लिए मुझे काफी सारे मटेरियल की जरूरत होगी, और जो कुछ चीजें जो है वो मुझे विलेजर से ही मिलने वाली है, जैसे कि ग्लास हो गए तो ये मुझे विलेजर से मिल जाएंगे, और मुझे सैंड को लाना नहीं पड़ेगा ना कि उसको स्मेल्ट करना पड़ेगा, और जो स्टोन ब्रिक्स हैं वो मैं खुद ही क्राफ्ट कर सकती हूँ। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि विलेजर्स मुझसे ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि वो लोग मुझसे ट्रेड नहीं कर रहे थे, तो मैंने इनको बाहर निकाल दिया और अंदर ले जाकर के रख दिया है। और ये जो विलेजर्स हैं ना, कि मुझसे आर्मर हो गया, डायमंड का टूल, ये सारी चीज़ें ट्रेड कर रहे हैं, और मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं है इनकी, तो ये लोग यहीं पर रहेंगे। और जो लाइब्रेरियन है ना, यहाँ पर सारे के सारे लाइब्रेरियन हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि विलेजर्स अभी पूरा अपग्रेड नहीं है, और ये मुझे ग्लास बेच रहा है, पर इसको अपग्रेड करने के बाद ही मुझे ट्रेड करेगा ये, तो मैं इससे पेपर के बदले एमरल्ड ले सकती हूँ, और ये बाद में अपग्रेड हो जाएगा, फिर मैं इसे ग्लासेस खरीद लूँगी। तो ये जो शल्कर बॉक्स है ना, मैंने इनसे ट्रेडिंग करने के लिए रखा था, पर इन लोगों ने मुझसे ट्रेडिंग करी ही नहीं, तो यहाँ पर काफ़ी सारा पेपर बचा हुआ है, ये मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा पेपर ले लिया है, और उस विलेजर को ले जाकर के देते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं, उसके बाद वो मुझे ग्लासेस बेचेगा, वो मैं खरीदने वाली हूँ, और मुझे खुद क्राफ्ट नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि सही है। तो सबसे पहले मैं इसे काफ़ी सारे एमरल्ड ले लेती हूँ, उसको अपग्रेड करती हूँ, तो देखते कितना अपग्रेड हो पाता है। ये इसने पेपर लेना बंद कर दिया, मैं लैंटर्न ले सकती हूँ उससे, शायद ये अपग्रेड और हो जाएगा, हो भी गया। तो अब मैं जल्दी से काफ़ी सारे ग्लासेस ट्रेड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे सारे के सारे एमरल्ड खत्म हो गए हैं, तो मैं जल्दी से पेपर ट्रेड करती हूँ बाकी के विलेजर से, और उनसे एमरल्ड लूँगी, और फिर उनसे मैं ग्लासेस खरीदूंगी, क्योंकि बहुत जल्दी करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ। ओके गाइस, तो मैंने विलेजर से काफ़ी सारे ग्लास ट्रेड कर लिए हैं, और मैंने अपने शल्कर बॉक्स में रख दिया है, अगर कम पड़ेंगे तो मैं बाद में इनसे ले जाऊंगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब मैं जाने वाली हूँ अपने स्टोन फार्म पे, वहाँ पर मैं करने वाली हूँ काफ़ी सारी माइनिंग, क्योंकि मुझे स्टोन ब्रिक्स बनाने हैं, और स्टोन ब्रिक्स बनते हैं कॉबल स्टोन से। तो फिलहाल तो चलते हैं अपने फार्म पे, इसके पीछे मेरा ऑटोमेटिक स्टोन जनरेटर है, और यहाँ पर इतने सारे पिग्स स्पॉन हुए हैं, इनको मार करके फूड ले लेते हैं, वैसे भी फूड की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, इनको मार करके फूड ले लेते हैं, और इसने मुझे काफ़ी सारा फूड दे दिया। बाकी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ के काफ़ी सारे ब्लॉक्स अपने आप डिसअपेयर हो गए, कि कैसे हुआ मुझे नहीं पता, ऐसा मेरे वर्ल्ड में दूसरी बार हुआ है कि किसी जगह के काफ़ी सारे ब्लॉक्स अपने आप गायब हो गए हों, ये मैंने नहीं करा है। और मैंने जो एरिया प्लेन किया था इसके किनारे किनारे किया था, और उधर का एरिया प्लेन भी हो चुका, पर इधर की जो ब्लॉक्स हटे हुए हैं ना, ये मैंने नहीं हटाया। जब मैं ट्रेडिंग हॉल बना रही थी तभी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मुझे लगा मैंने किया था, पर आज दूसरी बार हुआ है। अगर आप लोगों के वर्ड में ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब इस आखिरी पिक को मार करके जल्दी से फूड ले लेते हैं, और मुझे करनी काफ़ी सारी माइनिंग। तो यहाँ पर मैं जल्दी से काफ़ी सारा कॉबल स्टोन को माइन कर लेती हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, मेरे नेदरराइट की पिकैक्स है, और आप लोग देख सकते हो कि कितनी जल्दी माइन होता है, जल्दी से माइन कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा कॉबल स्टोन को माइन कर लिया है, इतना स्टोन काफ़ी रहेगा स्टोन ब्रिक्स को बनाने के लिए, बस मुझे एक फ्रेम जैसा ही बनाना है, ज़्यादा यूज़ भी नहीं इनका। और अब चलते अपने घर, क्योंकि रात भी हो चुकी है, और मुझे इनको स्मेल्ट भी करना है।
तो यहाँ पर मेरा छोटा सा सेटअप बना हुआ है, यहाँ पर डाल देते कॉबल स्टोन और इनको स्मेल्ट करने के लिए मैं प्लैंक्स का यूज करने वाली हूँ। तो मुझे लगता है कि फर्नेस मुझे बनाना पड़ेगा। फिलहाल तो इसके अंदर जल्दी से स्टोन डाल देते हैं और अब मैं जल्दी से एक फर्नेस और क्राफ्ट कर लेती हूँ ताकि काम जल्दी जल्दी हो, और इसको यहाँ पर पीछे लगा देते हैं। इस विलेजर से मैं शवल खरीदने आई हूँ क्योंकि जो मेरी नेदरराइट की शवल थी ना उसको मैंने गन पाउडर फार्म पे ही छोड़ दिया और अब मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और मैं इसे शवल खरीद लेती हूँ और इन दोनों शवल को मैं आपस में कंबाइन कर दूंगी और ये बन जाएगी अनब्रेकिंग 3 की, जो कि ठीक ठाक काम कर लेगी। तो यहाँ पर मेरे सारे स्टोन स्मेल्ट हो चुके हैं और इनको मुझे बाद में स्टोन ब्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं जल्दी से अपने सारे स्टोन ले लेती हूँ। मैं स्टोन ब्रिक्स का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इनका कलर लाइट होता है और जो कॉबल डीप स्लेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं और नेदर में फार्म बनाने के लिए वो सही नहीं है, ये सही लगेंगे, इसलिए मैं इनको क्राफ्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर कहीं पर मेरे स्टोन कटर था जो कि मैंने विलेजर्स को दे दिया था, तो जल्दी से इसमें स्टोन डाल करके स्टोन ब्रिक्स बना लेती हैं। मेरे स्टोन ब्रिक्स बनके रेडी हो चुके हैं और इसी चेस्ट में शायद से मैंने एमरल्ड रखे हुए थे, शायद से नीचे वाली चेस्ट में। तो यहाँ से मैं काफ़ी सारे एमरल्ड ले लेती हूँ और अब मैं विलेजर से ट्रेड करने वाली हूँ। जो फार्मर होता है ना वो पंपकिन पाई बेचता है और उससे बहुत जल्दी हेल्थ बढ़ती है और मुझे नेदर में जाना है, वहाँ पर तो हमला होता ही रहता चारों तरफ से, इसीलिए मुझे पंपकिन पाई की ज़रूरत है जिससे मेरी हेल्थ बहुत जल्दी बढ़ जाए। तो ये विलेजर्स मुझे पंपकिन पाई नहीं दे रहा, इसको उठा के देखते हैं कि ये मुझे बेच रहा है या नहीं बेच रहा। ठीक है, ये मुझे दे रहा है, इसलिए मैं जल्दी से काफ़ी सारी पंपकिन पाई ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी पंपकिन पाई को ले लिया है, अब इससे ज़्यादा ये ट्रेड कर भी नहीं रहा और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होने वाली पंपकिन पाई की। तो अब मैं बनाने वाली हूँ वाटर बकेट और वाटर बकेट में मैं लावा भर के ले जाऊँगी। जो ब्लेज होती हैं उनको लावा से डैमेज बिल्कुल भी नहीं पहुँचता और नेदर में फार्म बनाने के लिए मुझे लावा बकेट की ज़रूरत होगी, जो लावा मुझे ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे घर के पीछे बहुत बड़ा लावा पूल है तो मैं वहां पर जाने वाली हूं और यहां से मैं काफी सारा लावा भर के ले जाऊंगी। तो यहां पर मैंने अपनी बकेट में लावा फिल कर लिया है और अब मुझे रॉकेट चाहिए। तो मेरी एंडर चेस्ट में काफी सारे रॉकेट रखे हुए हैं तो यहां से ले लेते हैं। और अब मैं इसके बाद जा रही हूँ सीधा नेदर में क्योंकि अब मैं पूरी तरह रेडी हूँ नेदर में फार्म बनाने के लिए। तो फूड खा के अपनी हेल्थ बढ़ाते हैं और अब चलते हैं सीधा नेदर में। तो मैं आ चुकी हूँ नेदर में और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पहली बार आए हैं। वैसे मैंने इलाइटर पहन ही रखा है और मुझे यहाँ से नीचे जाना है, तो जल्दी से इलाइटर पहन लेते हैं और अब चलते हैं सीधा नीचे। और आज पहली बार मैं नेदर में इलाइटर यूज़ कर रही हूँ और आज इलाइटर का उद्घाटन हो रहा है। फिलहाल चलते हैं पास वाले फोर्ट्रेस पे और यहाँ पर मुझे इलाइट्रा को आराम आराम से उड़ाना होगा। अगर यहाँ पर मैं मरी तो सारा सामान चला जाएगा और यहाँ पर मुझे आराम से लैंड भी करना है। तो मैं आ चुकी हूँ फोर्ट्रेस पे और यहाँ पर आराम से लैंड करते हैं। और ये क्या, इलाइट्रा का उद्घाटन कुछ घटिया नहीं हुआ, मैं सीधा लावा में डुबकी लगाने लगी। अब जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं वरना मेरा टोटम यूज़ हो जाएगा। और मैंने अपनी चेस्ट प्लेट को भी नहीं पहन रखा है, इससे मेरी हेल्थ बहुत जल्दी जा रही है। और फिलहाल तो जल्दी से यहाँ से ऊपर चलते हैं और मैं आ चुकी हूँ बाहर और यहाँ पर मेरा टोटम भी यूज़ हो गया। तो फाइनली गाइस मैं टोटम की वजह से बच गई और फिलहाल तो फूड खा करके अपनी मैं हेल्थ बढ़ा लेती हूँ इसके पहले कि कोई मुझ पर अटैक करे। और यहाँ पर मैं ब्लॉक्स हटा हटा करके जाने वाली हूँ, तो मेरी इन्वेंट्री में तो एक भी ब्लॉक भी नहीं है, तो यहाँ से मुझे सारे के सारे ब्लॉक्स हटाने पड़ेंगे तभी मैं बाहर जा पाऊँगी। तो इनको हटाते और बाहर निकलते हैं। और शायद से मेरी अंडर चेस्ट में एक टोटम ऑफ अंडाइंग रखा था, उसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ और अपने हाथ में रख लेती हूँ। अगर कहीं से अटैक हुआ और अगर मैं दोबारा से मरने वाली हुई तो टोटम मुझे बचा लेगा। तो यहाँ से मैं जल्दी से अपनी एंडर चेस्ट को ले लेती हूँ और अब चलते हैं सीधा फोर्ट्रेस पे। तो यहाँ पर मैंने अपनी एंडर चेस्ट को इन्वेंट्री में रख लिया है और जो पोर्टल आप लोग सामने देख रहे हो ना वो एंड वर्ल्ड में जाने का पोर्टल है, पर मुझे अपने नेदर फोर्ट्रेस पे जाना है और जहाँ पर ब्लेज रॉड स्पॉनर है ना बस मैं वहाँ पर जाने वाली हूँ। तो पहले अपना इलाइट्रा पहनते हैं क्योंकि मैंने पहन नहीं रखा है
और अब की बार मैं इलाइटर बहुत ही अच्छे से उड़ाने वाली हूँ, क्योंकि पिछली बार की तरह मैं लावा में नहीं गिरने वाली। अगर इस बार गिरी तो हो सकता है कि मैं बचूँ ना और सारा का सारा सामान चला जाए। और यहाँ पर इतनी सारी ब्लेज रॉड स्पॉन हुई हैं, फिलहाल तो उनको छोड़ते हैं क्योंकि मैं अपना टोटम यूज़ नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर जो मैंने बना रखा है ना, इसको पूरा लॉक कर लेते हैं। जब मैं पहली बार आई थी तभी मैंने ये रूम बनाया था, और फूड खा के अपनी पहले हेल्थ बढ़ा लेते हैं क्योंकि मेरी हेल्थ कम है। तो यहाँ पर जो मैंने डल्ट लगाई ना, उसको पहले हटा के चेक करते हैं कि कहीं ब्लेज रॉड तो स्पॉन नहीं हुई है। जो स्पॉन हुई है ना, पहले मैं इसको मारने वाली हूँ, फिर वहाँ पर जाकर के स्पॉनर में टॉर्चेस लगाऊंगी ताकि और ब्लेज रॉड स्पॉन ना हो। और यहाँ पर मैं काफ़ी बड़ा रूम बनाने वाली हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो यहाँ पर जल्दी से काफ़ी सारी टॉर्चेस लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लेज रॉड स्पॉन हुई है, इसको मारते हैं और इससे ब्लेज रॉड लेते हैं। तो मैंने इस ब्लेज रॉड को मार दिया है और इसने ब्लेज रॉड ड्रॉप भी कर दी। इसको जल्दी से उठाते हैं और ऊपर चलते हैं। और आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर टॉर्चेस नहीं लगाऊंगी तो लगातार ये स्पॉन होंगी और मुझे काम नहीं करने देंगी। फिलहाल तो टॉर्चेस लगाते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो मैंने यहाँ पर चारों तरफ ग्लासेस लगा दी हैं। अब इस बीच वाले ब्लॉक को हटाते हैं और नीचे चलते हैं। जो मैंने किनारे किनारे टॉर्चेस लगाई ना स्पॉनर के, इसको हटाना है ताकि ब्लेज रॉड स्पॉन होना स्टार्ट कर दे। ये देखो, मैंने जैसे टॉर्च हटाई ये स्पॉन होना स्टार्ट हो गई। इसके पहले कि दुष्ट ब्लेज रॉड मुझे मारे, पहले मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और ये देखो, मैं कह ही रही थी इस दुष्ट ने मेरे पर हमला कर दिया। फिलहाल तो मैं बाहर निकलती हूँ इसके पहले कि 20-25 ब्लेज रॉड आकर के मुझे मार डाले। तो फिलहाल तो उसको बंद कर देते हैं इसके पहले कि वो नीचे आए और मुझे मारना स्टार्ट करे। तो आप लोग देख सकते हो कितनी जल्दी स्पॉन होना स्टार्ट हो गई। अब मैं आपको ऊपर चल के दिखाती हूँ कि यहाँ पर कितनी सारी स्पॉन हो रही हैं। ये देखो, इतनी सारी स्पॉन हो रही, मतलब कि मेरे मॉब फार्म के बाद ये दूसरा फार्म है जो इतनी ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैं बंद करने आई हूँ उसको, और ये मुझे ही देख रही है। ये नीचे नहीं जाएगी जब तक मैं नीचे नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं ग्लासेस को कवर कर देती हूँ। अब मैं चलती हूँ सीधा नीचे। अब आप लोग देखो कि ये लोग मुझे ही देख रही हैं, इसीलिए लोग नीचे नहीं जा रही। अब मैं नीचे जाऊँगी, अब इनको मारूंगी, और आप लोग देखना कि मेरे एक्सपीरियंस कितनी जल्दी बढ़ने वाले हैं। और अब हो जाओ तैयार, अब इनकी कुटाई चालू होने वाली है। और आप लोग ये देखो, ये नीचे नहीं जा रही क्योंकि मैं ऊपर हूँ। अब मैं नीचे जाऊँगी तभी नीचे आ जाएंगी। अब मैं इनको मारना स्टार्ट करने वाली हूँ, और आप लोग देखना मेरे एक्सपी लेवल बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। आप लोग मेरे एक्सपी लेवल देखना कितनी जल्दी बढ़ने वाले हैं। और ये लोग एक दूसरे को ही जला जला के मार रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और ब्लेज रॉड को फॉल डैमेज नहीं होता, इसीलिए मुझे कुछ इस तरह का फॉर्म बनाना पड़ा
जो कि सही है। तो यहाँ पर काफी सारी ब्लेज रॉड आ चुकी है, इनको मैं ले लेती हूँ। अब मैं आपको ऊपर चल के दिखाती हूँ कि कितनी सारी स्पॉन हुई है कि नहीं हुई है। फिलहाल तो इसको आखिरी वाली को मार देते हैं, और इसने मुझे काफी ब्लेज रॉड दे दी जो कि काफी सही है। यहाँ पर एफके करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और ये लोग देखो कितनी आसानी से मेरे किलिंग चैम्बर के अंदर जा रहे हैं। मैंने स्पॉनर के नीचे ही सीधा किलिंग चैम्बर बनाया था, तो इसका एक फायदा ये भी है कि जैसे ये स्पॉन होंगी वो सीधा मेरे किलिंग चैम्बर में जाके गिरेंगी, और मुझे कुछ इधर उधर करने की जरूरत भी नहीं है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनको मारा था, इसलिए इतनी कम स्पॉन हुई है। फिलहाल तो यहाँ पर अगर मैं रुकूँ ना तो बहुत सारी स्पॉन हो जाएंगी, तो पहले मैं इनको मार देती हूँ। और आप लोग देखो कि मेरे पास कितनी सारी ब्लेज रॉड स्पॉन हो गई है, कितनी सारी ब्लेज रॉड हो गई है मेरे पास। मैंने यहाँ पर ज़्यादा देर वेट भी नहीं करा, मुश्किल से एक दो मिनट ही हुआ होगा। और आप लोग देखना कि कितनी सारी स्पॉन होगी। तो ये लोग देखो कितनी सारी स्पॉन हो गई, ये लोग मुझे देख रही हैं। अगर मैं नीचे जाऊंगी तो ये लोग दोबारा से नीचे चली आएंगी, तो फिलहाल तो चलते ही नीचे। आप लोग देख सकते हो कि मेरे पीछे कितनी सारी ब्लेज रॉड हो चुकी हैं, अब बस मैं इनको मारने वाली हूँ। और आप लोग देखना कि मेरा एक्सपी लेवल बढ़ेंगे, साथ के साथ मेरे पास बहुत सारी ब्लेज रॉड भी हो जाएंगी। अगर आपको आज की ये वाली गेम की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।